मिला है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी इसकी। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भरोसा किया है, इस भरोसे पे पूरा दिन रात कर करके सीट जीत करके वो देंगे, और पहले भी दो बार जीत करके सीट समाजवादी पार्टी में फिर जीतेंगे। और वार्ड का हर व्यक्ति बोल रहा है कि जिताना है, जितना विकास किया है उसी बेच आप बहुत आसानी से लोगों को मिल जाते हैं, जबकि ये असल में हम जो ये छोटा चुनाव जो होता है ये काम के लिए होता है, और जो जनता को चाहिए उसी में से एक हम भी जानते ही हैं, और जो लोगों का दर्द था वही दर्द मेरा था। ये बताइए लड़ाई किससे राम नरेश? अब हमें तो नहीं लगता किसी की लड़ाई है, हमें तो सारी जनता कि एक ही बार साइकिल वाला बटन दबेगा राम ने चौरसिया तीसरी बार। बताइए कि राम नरेश जी की इस बार जो है क्या ऐसी कमी रह गई है जो अब की बार जो 5 साल के कार्यकाल में छूट गया? वो अब की बार पूरा 10 साल प्रयास रहा है, हर गली बनाई है, रोड नाली पानी सब व्यवस्था करा दी है, लेकिन उसके बावजूद भी काम चुन को छूट जाते हैं। तो सबसे पहले जब आपकी जीत के आएंगे तो छूटा हुआ काम करेंगे, उसके बाद जो सौंदर्यीकरण के नाते होना है जैसे मेन रोडों पे दोनों तरफ सौंदर्यीकरण होना वो कराएंगे, इंटरलॉकिंग लगा के, और पार्कों का कुछ सौंदर्यीकरण अच्छे से कराएंगे। कुछ पार्कों में नई चीज़ें होनी है जैसे बेंचें पड़नी है, बच्चों के लिए झूले वगैरह पड़ने हैं वो डलवाएंगे, और कैंपल रोड पे हमारी तरफ जो पट्टियाँ थी उसमें सौंदर्यीकरण कराएंगे। इसी से कई नई काम करने के विचार है, और जो पुराने रोड नाली छूट गए उसको सबसे पहले आकर के पहले वही बनाएंगे। समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव तुष्टिकरण के लिए बड़ा जो है बदनाम रही है, इस बार आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समनों पर और ब्राह्मणों पर भी बहुत ज़्यादा काट खेला। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पार्टी में सभी वर्ग के लोगों को मौका मिला है, सभी लोगों को टिकट मिला है, और हमें जो वोट मिलता है कोई ऐसी बात नहीं है, सारे वर्ग का वोट मिलता है चाहे कोई भी वर्ग का। ये बताइए कि इस बार आपके यहाँ पर जो है क्या लग रहा है, आपको प्रत्याशी ज़्यादा है हाइट क्या है? नहीं कोई खास ज़्यादा नहीं है, पिछली बार से कम है। ये बताइए कि अपील क्या है जनता से, अपील क्या करेंगे? जनता से हमारी यही अपील है कि 10 साल का जो 40 साल का छूटा हुआ काम हमने 10 साल में पूरा किया है, इसलिए भरोसा करें हम पे, और जो काम छूटा है उसको उसी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे जैसे 10 साल किया वैसे आगे बढ़ेंगे। नगर निकाय चुनाव का आखिरी सवाल है, नगर निकाय चुनाव का क्या लोकसभा चुनाव पर फर्क पड़ेगा? अब ये तो जनता तय करेगी। समाजवादी पार्टी अगर ज़्यादा सीटें निकालती हाँ तो लोकसभा में हम लोग बढ़त बनाएंगे, और हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी लोकसभा में, समाजवादी बगैर सरकार नहीं बन सकती। सर आमतौर पर या सरकार नहीं होती उसको बजट की समस्या होती है, तो आपको क्या सामना रहती है बजट की समस्या? कोई बात नहीं, अब उनकी सरकार है नहीं देती हम लोगों को, लेकिन हमारे पास जो व्यवस्था है जो हमारी निधि है उससे काम कराते हैं, और उनके मेयर हैं, उनके विधायक हैं, सांसद हैं, सरकार है, वो जो सहयोग कर दें तो और हम अच्छे से विकास कर लेंगे। एजेंडा समाजवादी पार्टी का क्या है इस बार निकाय चुनाव? एक ही एजेंडा है कि हम लोग जीत करके आए और क्षेत्र में अपने विकास का कार्य करें।